एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे विटामिन सी के रूप में जाना जाता है, यह पाचन यानी पेट और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है, लेकिन इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है। अगर किसी इंसान के शरीर में इसकी कमी हो जाए तो सर्दी, खांसी, फ्लू और वायरल बुखार का खतरा बढ़ जाता है। इसे भोजन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर इसे खुद से नहीं बना पाता। अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो विटामिन सी से भरपूर फल सब्जियां खा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरूद की। अमरूद एक ऐसा फल है जो भारत में बहुत लोकप्रिय है। इसका गूदा लाल और सफ़ेद होता है। आमतौर पर इसे बेहतर पाचन के लिए खाया जाता है, लेकिन यह विटामिन सी का भी एक समृद्ध स्रोत है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एक अमरूद खाने से 125 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा, जो दैनिक आवश्यकता का 138% है। हरी पत्तेदार सब्जियों में केल को बहुत पौष्टिक माना जाता है और आमतौर पर इसका इस्तेमाल सलाद के रूप में किया जाता है। अगर आप 100 ग्राम कच्चा केल खाते हैं तो आपको 93 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा, जो दैनिक आवश्यकता का 103% है। कीवी एक बहुत ही पौष्टिक फल है। भले ही यह थोड़ा महंगा हो, लेकिन इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। अगर आप एक मध्यम आकार का कीवी खाते हैं तो आपको 56 मिलीग्राम विटामिन सी मिलेगा, जो दैनिक आवश्यकता का 62% है। हम नींबू का सेवन कई तरह से करते हैं। इसका सेवन सबसे ज़्यादा नींबू पानी और सलाद के रूप में किया जाता है। एक नींबू में 45 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो कि दैनिक आवश्यकता का 50% है। नींबू उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो उक्त रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। खट्टे फलों को विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। उनमें एक संतरा है। अगर आप इसे खाते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। एक मध्यम आकार के संतरे में 83 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो कि दैनिक आवश्यकता का 92% है।